प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुंदर सिंह एक बार फिर से आप बच्चों को वेलकम करता हूं एक नए कंसेप्ट, एक नए इनोवेशन, एक नई सोच के साथ आपके सामने। और आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, टॉपिक है कह लीजिए आप, जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट्स रहते हैं और टीचर भी अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। पूरा डेप्थ में, गहराई से मैं आपको समझाने वाला हूँ पार्शियल इन्वर्जन। इसका प्रयोग, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके SSC, बैंकिंग, CDS, NDA लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि UPSC के अंदर भी 102 नंबर का आता है पार्शियल इन्वर्जन, राइट। मैं आपको समझाऊंगा पार्शियल इन्वर्जन कहते किसे हैं, ठीक है। हालांकि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्शियल, एक कंप्लीट। आज एक पढ़ाऊंगा, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा जो कंप्लीट है, राइट। तो चलिए कोट ऑफ द डे क्या है समझ लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का उस पर जो आइकन होता है उसको दबाइए, ताकि एक एक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, एक एक लेक्चर का जो मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, ठीक बच्चों। चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा आप पॉजिटिव एनर्जी ले लीजिए, ठीक है। इस कोट के माध्यम से लिखा है, द बेस्ट वे टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को प्राप्त करने का सबसे बेहतर जरिया तरीका क्या है, जरिया क्या है, इज टू डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। आप उस कार्य को कीजिए जिसको आप करने से डरते हैं। आत्मविश्वास को अगर आपने इकट्ठा करना है, अर्जित करना है, तो आप उस कार्य को कीजिए जिसको करने से आप डरते हैं। मैथ का कोई चैप्टर आपको डराता है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, उसको कीजिए आप। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार जरूर आएगा आपको। तो डर को निकालिए पहले, और जब डर निकल जाएगा तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस ही आपकी पर्सनैलिटी में इमर्ज होगा। समझ गए बच्चों, डरना नहीं है, आत्मविश्वास पैदा करना है। तो फेस योर हर्डल्स, रुकावटों को फेस कीजिए, बात समझ गए। तो पॉजिटिव वाइब्स दे दी मैंने आपको, अब शुरू करता हूँ चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। कंसेप्ट है बच्चों आज का पार्शियल इन्वर्जन। तो ये हमारा कंसेप्ट है जो आपके सामने है इस समय, पार्शियल इन्वर्जन। तो क्या है समझ लीजिए, ठीक है जी। ये है बच्चों पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग आमतौर पर कंजक्शन, टाइम एंड टेंस और एडवर्ब चैप्टर में ज़्यादा होता है, तीन चैप्टर मैंने आपको बताया। और मैं बताने की कोशिश करूँ कि हेल्पिंग, ये पार्शियल इन्वर्जन की परिभाषा क्या है, होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यदि का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले होता है, तो यदि बच्चों यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले होता है और उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप हो, तो यह टर्म, ये तथ्य जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्शियल इन्वर्जन। ये पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है या कहलाती है, टर्म जो है, बात समझ गए। देखिए कैसे मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। सी हैज़ प्रिपेयर्ड ए पोटेंट प्रेजेंटेशन, उसने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग। ये वर्ड कई बार आ चुका है पहले भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है। तो बच्चों ये सेंटेंस कौन सी फॉर्म है, सेंटेंस की तीन फॉर्म होती है आप जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ये अफर्मेटिव फॉर्म है, और यदि मैं इसको इंटरोगेटिव फॉर्म प्रश्नवाचक बनाता हूँ तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, हैज शी प्रिपेयर्ड ए पोटेंट प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, और यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है इंटरोगेटिव फॉर्म। लेकिन पार्शियल इन्वर्जन वो प्रक्रिया है कि जब सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है पार्शियल इन्वर्जन। जैसे मैं एग्जांपल ओरल ले रहा हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माय लेक्चर, तो क्या बनेगा पार्शियल इन्वर्जन, हैव आई कंप्लीटेड माय लेक्चर, बात समझ गए। दे हैव स्पोकन इट, हैव दे स्पोकन इट, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की बजाय। बस छोटा सा बात है, क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। प्रश्न ये उठता है कि पार्शियल इन्वर्जन की आवश्यकता क्या है। तो पार्शियल इन्वर्जन बच्चों लेखन में डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, पार्शियल इन्वर्जन का, बात समझ गए। तो चलिए इनको कहाँ कहाँ हम इसमें SSC में किन किन कंसेप्ट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, आई एम गोइंग टू एलोबरेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। स्टार्ट करें, ठीक है जी। ये आपने समझ लिया कि पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, अब समझते हैं इसका प्रयोग किन किन कंसेप्ट में आप कर सकते हैं। देखिए, और मैंने समझाया विस्तार से कि मीडिया हैज़ प्रेडिक्टेड अबाउट इट, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, और आप कहते हैं मीडिया हैज़ प्रेडिक्टेड अबाउट इट फुल स्टॉप, तो ये भी हमारी क्या कहलाता है, ये टर्म भी हमारी कहलाती है पार्शियल इन्वर्जन, बात समझ गए। और अब मैंने तीन कुछ स्टेप के माध्यम से समझाया। पहला स्टेप देखिए, स्टेप वन, कि तीन कंसेप्ट होते हैं और ये तीनों कंसेप्ट कंजक्शंस के हैं, कि हार्डली स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत जब होती है तो उसमें वैन या बिफोर का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के तौर पर।
और दूसरा है सेंटेंस की शुरुआत जब नो सूनर से होती है तो देन का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के तौर पर, और सेंटेंस की शुरुआत जब सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर से हो तब उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, उसके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो साफ साफ लिखा इंग्लिश में पार्शियल इन्वर्जन विल बी अप्लाइड, और हिंदी में इनके साथ पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इसको भी आप देख लीजिए एक बार, वहाँ इंग्लिश में है या हिंदी में है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को, चाहे आप इंग्लिश के हो या हिंदी को हो, यू कुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एडिक्वेटली, आप उस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ सको। बात समझ गए, ये कंसेप्ट है। इन तीनों से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इनके जस्ट बाद में यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पर, और इनके इसके बाद यहाँ, और ऐसे ही इसके बाद यहाँ, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। बात समझ गए, अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए समझिए, लिखा हार्डली ही हैड सेंड दिस मैसेज व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट इट। मुश्किल से उसने मैसेज भेजा ही था। सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हुई है और बच्चों यहाँ व्हेन आया हुआ है, करेक्ट है ना। हार्डली स्कार्सिटी के बाद किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन या बिफोर का, ठीक है जी। लेकिन जब सेंटेंस की शुरुआत हार्डली स्कार्सिटी से होती है तो क्या प्रयोग करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, हैड यहाँ आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड ही सेंट। तो सेंटेंस की वास्तविकता क्या होगी, हार्डली हैड ही सेंट दिस मैसेज व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट इट। समझ में आया नहीं आया बात जो है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, यहाँ पर। एरर कहाँ हो गया, ए में। और कोई आपसे पूछता है एरर की प्रकृति क्या है, तो आप क्या बताओगे, पार्शियल इन्वर्जन। बात समझ गए। सेकेंड एग्जाम्पल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, स्कार्सली डिड आई ज्वाइन दिस कंपनी, मैंने कठिनाई से कंपनी ज्वाइन की थी, व्हेन आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम द प्रीवियस कॉर्पोरेट इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कॉर्पोरेट क्या होता है, बिजनेस, और इस्टेब्लिशमेंट होती है कंपनी या ढांचा, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत स्कार्सली से हुई है तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, जो कि करेक्ट है, ठीक है जी। और यहाँ वहन का प्रयोग होगा जी, ये भी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ये भी करेक्ट है बच्चों। तो सेंटेंस में एरर, नो एरर, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। स्कार्सिटी से हुआ है, पार्शियल इन्वर्जन और वहन का प्रयोग हुआ है, कोई डाउट है तो बताइए। बात समझ में आई नहीं आई जो, नो सूनर हैड आई लेफ्ट माई बैग, ठीक है, इन मेट्रो देन आई गॉट टू नो। बच्चों नो सूनर से शुरू हुआ है तो क्या चेक करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, और देन कौन सा, ए एन वाला, ई एन वाला। तो बच्चों यहाँ ए एन वाला देन आएगा, टी एच ए एन, फर्क होता है। टी एच ए एन का मतलब होता है की अपेक्षा में, और टी एच ई एन होता है दब, तब जो है तब। तो यहाँ पे टी एच ए एन का प्रयोग होगा, तो एरर कहाँ माना जाएगा, बी में। तो कई बार ऐसी मिस्टेक भी पेपर में आ सकती है, माइंड में आपके क्लियर रहनी चाहिए। जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होती है, नंबर एक पार्शियल इन्वर्जन, और नंबर दो आप देन कौन सा प्रयोग करेंगे, ए एन वाला प्रयोग करेंगे। बात समझ गए, ये कंसेप्चुअल है, ये डॉगमेटिक सेंस है सेंटेंस की। अच्छा ये लगता है टी एच ई एन, बट सो फार द कंसेप्ट इज कंसर्न, कंसेप्ट का जहाँ तक सवाल है, ए एन का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेल्डम इफ एवर आई एक्सप्रेस माई कंसर्न्स रिगार्डिंग द सोशल अफेयर। सामाजिक विषय को क्या कहते हैं, सोशल अफेयर, और राजनीतिक विषय होता है पॉलिटिकल अफेयर। पहले सीक्वेंस है सेल्डम इफ एवर, तो बच्चों सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम इफ के साथ एवर आता है, और के साथ नेवर का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। और जब भी सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो तो पहले इनके कॉम्बिनेशन को चेक करो, तो इफ के साथ एवर करेक्ट है जी, यहाँ जैसे कि आया हुआ है। लेकिन सेकंड बात क्या है, इनके साथ क्या प्रयोग होता है, पार्शियल इन्वर्जन। तो इस सेंटेंस में जो हमारा एक्सप्रेस है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या बनेगा, सेल्डम इफ एवर डिड आई एक्सप्रेस, ईडी हटा दो, माई कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस सोशल अफेयर। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, मैंने ईडी क्यों हटा दिया, क्योंकि एक बच्चा भी जानता है डिड के साथ, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। बात समझिए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये दिमाग में रखिए बच्चों। तो सेल्डम इफ एवर आई एक्सप्रेस माई कंसर्न्स रिगार्डिंग द सोशल अफेयर, तो बच्चों यहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डिड आएगा, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म, और एक्सप्रेस आएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए अब किसी प्रकार का। और तीन कंसेप्ट आपने पढ़े, कौन कौन से, नो सूनर के साथ देन, हार्ड स्कार्सली के साथ देन या बिफोर,
और सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, और इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या समानता कि तीनों से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या अप्लाई करोगे, पार्शियल इन्वर्जन। दिस इज कॉमन ग्राउंड इन द फॉर्मेशन, इनमें कॉमन ग्राउंड है ये। चले आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये भी पार्शियल इन्वर्जन से रिलेटेड है, तो समझ लीजिए इसको भी आप जरा। स्टेप टू जो हमने आपको बताना है कि यहाँ कोशिश की है वो क्या है समझिए। स्टेप टू आपके सामने है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर, इसको इधर नीदर भी कहते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनको कंजक्शंस कहते हैं तीनों को, क्या कहते हैं बच्चों, दे आर सेड टू बी कंजक्शंस। जब ये सेंटेंस में कहीं भी प्रयोग होते हैं और दो क्लॉज जब आती हैं, दो क्लॉज, एक क्लॉज दो क्लॉज, तो आमतौर पर इनके साथ पार्शियल इन्वर्जन आता है, यहाँ पर पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है। तो लिखा है इन कंजक्शंस के साथ भी पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है, क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पर हमने जो है, इनके साथ ही प्रयोग होता है, बात समझ गए। एग्जाम्पल लिखा है, और हाँ ये कंसेप्ट बहुत कम बच्चों को मालूम है, थोड़ा ध्यान देंगे तब समझ में आएगा, वरना आपके माइंड से बिल्कुल स्किप हो जाएगा ये, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। नॉट ओनली यू हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर बट ऑल्सो, ठीक है, यू बट ऑल्सो हैव कंसेंटेड द सेम टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है जी। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कोमा आ गया, ये रहा, और बट ऑल्सो यहाँ पर है और नॉट ओनली यहाँ पर है। ये गणित की तरह, मैथ की तरह होता है, जब भी हम सेंटेंस का मूल्यांकन करते हैं, ध्यान दीजिए जरा, तो यहाँ से करते हैं ए में, बी में, सी में, कहाँ पे एरर है, लेकिन इन तीनों में बिल्कुल कंसेप्ट उल्टा होता है। इसमें मूल्यांकन इस वाले पॉइंट से होता है कि ये कहाँ किससे पहले आया है, और आप देखिए ये बट ऑल्सो हैव से पहले आया हुआ, ये हैव से पहले है। और जब भी बट ऑल्सो या और या नॉर हेल्पिंग वर्ब से पहले हो या मेन वर्ब से पहले हो, फिर से सुन लीजिए, यदि बट ऑल्सो और या नॉर हेल्पिंग वर्ब से पहले हो या मेन वर्ब से पहले, तो पहली क्लॉज में हम क्या अप्लाई करोगे, पार्शियल इन्वर्जन। और पहली क्लॉज किसके साथ दी रखी हुई है, नॉट ओनली के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ। तो क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई है तो आप क्या अप्लाई कर देंगे पहली क्लॉज में, पार्शियल इन्वर्जन, तो यू से पहले हैव आ जाएगा, तो क्या बनेगा, नॉट ओनली हैव यू एक्सेप्टेड। तो बच्चों एरर किस चीज़ का हुआ, एरर किस चीज़ का हुआ, कोई आपसे पूछता है, एरर हुआ पार्शियल इन्वर्जन का, और एरर कहाँ माना जाएगा, ए सेक्शन में, ए में एरर होगा, बात समझ गए। तो किससे पोजीशन डिसाइड करेंगे, इनसे पोजीशन डिसाइड होगी, सेकंड वाले से। और देखिए, नाइदर द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, मेहमान नवाजी, हैव बीन रिवोक्ड, रिवोक क्या होता है, सस्पेंड करना, द कोमा द सर्विसेज ऑफ आउटडोर्स हैव बीन नॉर सस्पेंडेड बाय द मैनेजमेंट। कंसेप्ट है नाइदर नॉर का, ये रहा बच्चों। और ये सस्पेंडेड क्या है, मेन वर्ब है, और मैंने बताया बट ऑल्सो और या नॉर हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फिर से सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अगर ये इनमें से किसी से पहले भी आते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले, तो पहले कंसेप्ट में क्या प्रयोग करोगे, पार्शियल इन्वर्जन। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे फिर आप जो है, ये द सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी ये सब्जेक्ट हो गया, और बच्चों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पाएगा हैव, किससे पहले, ये हो जाएगा नाइदर, नाइदर हैव द सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल बीन, ऐसा आएगा, बात समझ गए। और दो में से एक आएगा, कभी आप हैविंग को पूरा ले आए, केवल हैव को लेना है, बीन को नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो क्या बना, नाइदर हैव द सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी बीन रिवोक्ड कोमा द सर्विसेज ऑफ आउटडोर हैव बीन सस्पेंडेड बाय द मैनेजमेंट। नाउ टू सम एक्सटेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ एग्जैक्टली दिस हैज बीन डन। इट मीन्स कि वी आर जस्ट एनालाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब और पार्शियल इन्वर्जन ऑन द ग्राउंड ऑफ द सेकेंड फॉर्मेशन, एंड द सेकेंड फॉर्मेशन इज ओवर हियर, दिस वन, ओके। सो बाय दिस वन यू कैन स्पेकुलेट, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि हेल्पिंग वर्ब से पहले है या मेन वर्ब से पहले, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू इम्प्लीमेंट और वी हैव टू इनेक्ट पार्शियल इन्वर्जन इन द फर्स्ट सेगमेंट। तो पहले भाग में इनके साथ यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल इन्वर्जन। समझ में आया नहीं आया, ये पूरा कंसेप्ट। तो सेकंड पॉइंट किससे पहले होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले, ये ध्यान रखिए, राइट। देखिए बच्चों, इसी में एक और कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा, एक और एग्जांपल। आइदर लिया हमने यहाँ पर, आइदर फैकल्टीज हैव एक्सेप्टेड द ऑफर कोमा स्टूडेंट्स हैव एक्सीडेड द सेम, एक्सीड होता स्वीकार करना, और यहाँ पर आया देखिए, और किससे पहले आया, द सेम, और यहाँ सेम कैसा काम कर रहा है सेंटेंस में, यहाँ सेम कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट का, इट इज़ फंक्शनिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस।
और जब ये ऑब्जेक्ट से पहले आता है तो पार्शियल इन्वर्जन की जो सुविधा है, जो प्रिविलेज है, ख़त्म हो जाता है। वो कब आता है? या तो बट ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब से पहले हो या मेन वर्ब से पहले हो, ऐसे ही और ऐसे ही नॉर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट से पहले आए हैं तो आपको क्या करना होगा? आयदर को भी पहली क्लॉज में ऑब्जेक्ट से पहले स्थापित करना होगा। ये यहाँ चला जाएगा ऑफर, ऑफर से पहले। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ये बनेगा फैकल्टीज हैव एक्सेप्टेड आयदर द ऑफर कोमा स्टूडेंट हैव एक्सीडेड और द सेम। ये बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा बट दिस इज़ द जुडिशियस अप्रोच ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर की सही व्यवस्था है, सही अप्रोच है। बात समझ गए? अगर ऑब्जेक्ट से पहले दिया है और नॉर या बट अल्सो, तो पहली क्लॉज के अंदर जा कर के आप पहले पॉइंट को, नॉट ओनली को, आइदर या नाइदर को ऑब्जेक्ट से पहले स्थापित कर देंगे, मेंशन कर देंगे, जहाँ पर भी वो दिया है, ए में, बी में, सी में। और वही एरर माना जाएगा जहाँ पर वो मेंशन करेंगे आप। तो मेंशन, क्योंकि यहाँ ए में हुआ है तो ए में हुआ। बात समझ गए? जो है छोटी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पार्शियल इन्वर्जन निम्नलिखित एडवर्ब्स और एडवर्ब क्लॉजेस के साथ भी प्रयोग होता है। अब भाई एडवर्ब क्या है? नो एडवर्ब है और सच है, हमारे दोनों एडवर्ब है, नो एंड सच, इनके साथ प्रयोग होता है। और सो, सो के बाद अगर एडवर्ब क्लॉज आता है, पहले सो आ जाए फिर एडवर्ब क्लॉज हो, इसके साथ भी प्रयोग होगा। और उसी प्रकार से ओनली आ जाए और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज आ जाए तो इन कंसेप्ट के साथ भी अप्लाई होता है। तो टोटल कितने हो गए? एक तो नो हो गया, दूसरा सच हो गया, थर्ड हमारा सो हो गया, फोर्थ हमारा हो गया ओनली। इन दोनों में समानता है, सो के बाद एडवर्ब क्लॉज और इसके बाद भी एडवर्ब क्लॉज। बात समझिए? तो समझिए इसको एग्जाम्पल से कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझिए, अब ये है आपके सामने कंसेप्ट, इसको विस्तार से मैं आपको समझा देता हूँ, बच्चों देखिए कैसे। एट नो टाइम ही विल कम हियर फॉर योर, फॉर आवर हेल्प। एट नो टाइम, नो आया हुआ है इसके अंदर, ये क्लॉज हो गया पूरा, नो से बनने वाला। और जब एट नो टाइम, इन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है एडवर्ब क्लॉज से, तो क्या अप्लाई करोगे? पार्शियल इन्वर्जन, तो विल ही आएगा, एरर बी में हो गया, विल ही। और अगर विल ही आएगा तो इस टर्म को क्या कहेंगे? पार्शियल इन्वर्जन। सो एट नो टाइम विल ही कम हियर फॉर आवर हेल्प, ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। टू सच एन एक्सटेंट, ये सच आ गया है, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। टू सच एन एक्सटेंट दिस डैम हैज बीन अटर्ड। अटर्ड क्या होता है? अटर्ड होता है कंप्लीट होना, पूरा होना। और अटर का दूसरा अर्थ क्या होता है? टू से, कहना भी होता है। दो मीनिंग होते हैं इसके, कंप्लीट कार्य को पूरा करना भी होता है, कहना भी होता है किसी बात को, या पूरा करने से, कार्य पूरा करने से, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन। जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब क्लॉज से हुई है तो क्या अप्लाई करोगे? पार्शियल इन्वर्जन, तो हैज़ यहाँ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? टू सच एन एक्सटेंट हैज दिस डैम बीन अटर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों एरर कहाँ माना जाएगा? एरर होगा ए में, क्योंकि इसकी पोजिशन कहाँ अप्लाई हो रही है? उसकी पोजिशन अप्लाई हो रही है ए के अंदर, यहाँ पर जो है। बात समझ आई नहीं है जो है? और ये पूरी क्लॉज हो गई, ये वाली क्लॉज है, दिस वन, क्लियर। आगे देखिए, थर्ड एग्जांपल, ओनली बाय सेइंग सो ही हैज प्रूव्ड हिज मीटल। मीटल क्या होती है? मीटल होती है एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी। समझ गए बात को? योग्यता को हम एबिलिटी को मीटल कहते हैं। तो बच्चों ओनली आया, ओनली के बाद एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इसके बाद क्या अप्लाई करोगे? पार्शियल इन्वर्जन, तो क्या आएगा? हैज़ ही प्रूव्ड। और सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है फिर के बाद में, तो क्या अप्लाई करेंगे? पार्शियल इन्वर्जन। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो बोल्डली, इसको कहते हैं एडवर्ब, बोल्डली, नाइसली, ब्यूटिफुली, एडिक्वेटली। सो के बाद जब एडवर्ब मैनर आता है, एडवर्ब क्लॉज, तो क्या अप्लाई करोगे? पार्शियल इन्वर्जन। तो पढ़िए, सो बोल्डली ही इंट्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स इन द सेमिनार ऑफ कंपनी। तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? डिड आएगा। और डिड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ इंट्रोड्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसे डिड आएगा तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सो बोल्डली डिड ही इंट्रोड्यूस ऑल द प्रोडक्ट्स इन द सेमिनार ऑफ कंपनी। और ये किसके कारण आपने पार्शियल इन्वर्जन लगाया है? सो के बाद या ओनली के बाद, जब भी एडवर्ब मैनर या एडवर्ब क्लॉज आती है तो क्या अप्लाई करते हैं? पार्शियल इन्वर्जन। बात समझ गए बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा सेगमेंट था पार्शियल इन्वर्जन का जो आपने सीखा। और मुझे लगता नहीं अब आपके मन में कोई संदेह किसी प्रकार का इस कंसेप्ट को लेकर होना चाहिए।
सो आई हैव स्टेटेड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज सिंपली रिलेवेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण भाग मैंने समझा दिया है। कोई आपको और डाउट है मुझसे आप पूछिए पार्शल इन्वर्जन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो आपका आइकन दे उसको प्रेस जरूर कीजिए, ताकि एक एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आप बच्चों के आ सके पास में जो है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं, इसके अहमियत को समझिए और किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, ठीक है। हम एक छोटी सी निडिल सुई की नॉलेज भी ज्ञान लेते हैं जीवन में, तो विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम जरूर आता है। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन यूटिलाइजेशन, हर चीज़ की जीवन में अपनी उपयोगिता होती है, अपना रिलेवेंस होता है, ठीक है जी। तो उसके बारे में नहीं भूलना आपने। तो चलिए बच्चों, आज के लिए मैं आपसे आई वुड लाइक टू मेक साइन ऑफ, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ बहुत जल्दी बेहतर कंसेप्ट के साथ में। एंड मे गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।